हेलो गाइस, तो ये है मेरा मिनी ब्लॉग, प्यारा सा ब्लॉग, और ये है बहुत खुशियों का ब्लॉग। ये ढेर सारी खुशियां लेकर आया ये ब्लॉग। तो देखिए, मैंने सैंडी और सोनी को एक साथ बिठाया, बात कराई इनकी, और ये इन्होंने दोनों ने आपस में मतलब बहुत प्यार करा। बहुत देख के इतना दिल खुश हो गया, इतना अच्छा लगा। एक माँ बापों की इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है कि उनका परिवार, उनके बच्चे एक हो गए। और फिर मैंने दोनों की पसंद पे बनाया पिज्जा पराठा, क्योंकि पिज्जा पराठा दोनों को ही बहुत पसंद है, सोनी को भी बहुत पसंद है, कीर्ति को भी। तो मैंने पिज्जा पराठा बनाया। देखिए, ये मैं लगी हुई थी किचन में और सोनी भी यहाँ पे आ गई थी। तो मैंने पिज्जा पराठा बनाने के बाद में दोनों को दे दिया। दोनों ने खाया बड़े प्यार से, शौक से, और हम बहुत सारी बातें कर रहे थे। और दोनों को मैंने गले लगाया और उसके पापा ने भी गले लगाया। फिर हमने दिया माता रानी का आशीर्वाद दोनों को, क्योंकि माता रानी ने इतनी अच्छी, इतनी बड़ी खुशी हमारे घर में आई थी। तो देख कर मन इतना खुश हो गया था। देखो, आपस में बहन भाई, मम्मी पापा सब प्यार कर रहे हैं। और ये हमारे घर में जो अखंड जोत जल रही थी नवरात्रि में, तो मैंने इन्हें अखंड जोत दी, अखंड जोत से मतलब इन्हें आशीर्वाद दिया माता रानी की तरफ से। और मेरी भी ये दुआएं थी कि मेरे बच्चे सब एक हो जाए, यही मैंने नवरात्रि में मांगा था। और हम चल दिए कीर्ति को लेने घर से, कि चलो आज कीर्ति को लेके आते हैं। तो मैं गाड़ी में बैठ गई कीर्ति के लिए, और हम पहुंच गए डेलकोट। डेलकोट में इतना बड़ा सूटकेस लेके गई थी, लेकिन इस सूटकेस से कुछ नहीं होने वाला था, क्योंकि कपड़े उसके इतने सारे हैं। तो मैं लेके पहुंच गई कि इसकी शुरुआत करती हूँ। एक मैं सूटकेस उस दिन भर के लेके आई थी। तो हमने जाकर बेटी को गले लगाया और हम इसके रूम में पहुंच गए। रूम में देखा अलमारी, तो अलमारी तो देखने लायक थी, इतने कपड़े खचाखच भर रखे थे। कभी ऐसा नहीं करती कि अच्छे से कर ले उन्हें, तो नहीं। फिर हमने इसका बैग भरा। बैग भरने के बाद में पूरा बैग ममता ने लगा लिया। ममता ने लगाने के बाद में हम चल दिए गाड़ी में, ले लिया बैग। और देखे, सबसे मिली कीर्ति, कीर्ति से मिलने के बाद में नीतू से मिली, प्यार करा, लखन से मिली, हमसे मिली, सबसे बहुत ज्यादा प्यार करा। और थोड़े इमोशनल भी हो गए थे हम दोनों ही, कीर्ति भी और मैं भी। हम निकल गए गाड़ी की तरफ, गाड़ी में बैठ के, देखो सोनी ये बैठ रही, बैठने के बाद में हम निकल गए विला। तो विला पे जाने के बाद में अब हम विला के लिए निकल गए, पहुंच गई हमारी गाड़ी हमारे विला पे। और ये बहुत खुशी का दिन था, और सोनी बहुत इमोशनल भी हो रही थी थोड़ा ऐसे, मतलब उसे अच्छा लग रहा था कि मैं अपने वापस घर आ गई। तो घर आने के बाद मैं, देखो सैंडी ने और करण ने उसका स्वागत करा, बहुत ही अच्छा वेलकम करा, और ये वेलकम लिख भी रखा था कि वेलकम दीदी। और इतना अच्छा वेलकम करा अपनी बहन दीदी का, इतना अच्छा वेलकम करा, फूल भी तोड़ लिए अपनी ही उसमें से, पार्क में से, गार्डन में से अपने ही थोड़े से फूल तोड़ के। देखो इन्होंने फिर पार्क इसकी स्वागत करा। स्वागत करने के बाद मैं अपने चली गई सोनी अंदर, और रिकी को, यश को भी वीडियो कॉल पर ले लिया, और यश ने भी स्वागत करा अपनी बहन का। और बहुत अच्छा लग रहा था, दिल जरा खुश हो गया था, मतलब क्या बताऊं कि कितना दिल खुश था हमारा उस टाइम। और बहुत बहुत अच्छा लग रहा था वेलकम देख के, कि मतलब सैंडी ने भी इतने अच्छे से वेलकम करा, ये भी बहुत अच्छा लग रहा था देख के। तो देखिए, अब हम सोनी हमारी घर आ गई, मेरी बेटी वापस, और इसे अपने सीधे रूम में लेके गए। रूम में जाने के बाद मैं सोनी को बताया, ये तेरा रूम तेरा इंतजार कर रहा बेटा, अपने ही रूम में रहो। और यहाँ, और मेरा छोटा सा मिनी ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट्स करना।